चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए स्क्वायर प्लस में 15 इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस 4 इज, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए ए दे रखा है ऑप्शन 6 माइनस का 1 अपॉन में ए प्लस का 3, बी इज इक्वल टू दे रखा है ए माइनस का 4 अपॉन में 3 प्लस का 2 है, सी इज इक्वल टू दे रखा है आपका 7 ए प्लस का 3 अपॉन में 3 प्लस का 2 है, डी इज इक्वल टू दे रखा है 7 माइनस का 3 अपॉन में ए प्लस का 3। लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व कराया था तो एक बच्चा कह रहा सर कि ये तो थोड़ा सा लंबा है तो इसे शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। बेटा इसका शॉर्ट करने का तरीका है कि फिर आप इसे ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करो। पहली वीडियो में मैंने इसको डिटेल सॉल्व कराया था, इसमें मैं इस बच्चे की डिमांड पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ ऑप्शन की मदद से। तो देखिए ये जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो सॉल्व करने के बाद में यही वैल्यू आई होगी, तो इसका मतलब है इसको इसके बराबर रख दो, ए प्लस में आपका 4 इसको बराबर रख दो और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस का आपका 3A प्लस का आपका 4A प्लस का इक्वल टू में 12 बराबर में, ये कितना हो जाएगा 6A और ये माइनस का 1, तो ये मेरे पास में ए स्क्वायर, तो ये कितना होगा 7A, ये हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 12, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए और ये 12 12 में से 12 में एक जुड़ा था 13, तो ये नहीं बन रहा ये क्योंकि वैल्यू इसके बराबर बननी चाहिए, बन नहीं रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर हो नहीं सकता 6 से 6 है। इसको चेक करते हैं डी वाले को, ये कितना आपका ए प्लस का आपका 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में आपका 3A प्लस का 4A प्लस का 12 इक्वल टू में 7A माइनस का 3, तो ये ए का स्क्वायर प्लस का 7A प्लस का 12 बराबर में हो जाएगा आपका आपका 7A माइनस का 3, इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये उतर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर एक स्क्वायर को यहाँ रखूँ तो ये इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्या किया, सिंपल सी बात है, इस वाली वैल्यू को इसके बराबर पुट किया और इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी और जब इन दोनों को लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।